कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने बोर्ड मॉडल में रेडियस और वेलोसिटी की बात की थी। ये दो एक्सप्रेशन आया था, बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन आया था। अब ये दो एक्सप्रेशन में रेडियस और अपने को वेलोसिटी पता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैंने बताया था कि रेडियस जो होता है बोर्ड ऑर्बिट में वो प्रोपोर्शनल होता है भाई, ये सारा टर्म कांस्टेंट है तो किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल होता है ये जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने बताया था। अब बहुत भयंकर सा फार्मूला है, कौन सा याद रखता है इतना। आज अपन एनर्जी की बात करेंगे, बट अपन इस फार्मूले में कुछ थोड़ा मैनिपुलेशन ध्यान से जान लें कि आखिर क्या क्या मैनिपुलेशन हो सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह जो रेडियस है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, एच की वैल्यू अपने को पता है, पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दिया गया है, मास ऑफ अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो हमें इसकी वैल्यू भी पता है। और जेड क्या है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर, इसको छोड़ दो, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें पता है। जब हमने सब की वैल्यू डाली, जब हमने सब की वैल्यू को यहाँ डाला तो मेरा जो रेडियस आया वो कुछ ऐसा आया 0.053 एन स्क्वायर बाई जेड नैनोमीटर। शॉर्ट में तुम इसको याद कर सकते हो 0.053 n square by z, but radius will comes to be in nanometer में आएगी radius. Radius nanometer में आता है 0.053 n square by z nanometer. कभी कभी इसको ऐसे ही बोलते हैं 53 n square by z picometer. One picometer कितना होता है 10 to minus 12 meter. तो हमने क्या किया 10 to power 3 से divide कर दिया तो nanometer में ये आ गया 0.053 nanometer. आ रही बात समझ में? इसको तुम ऐसे भी कभी कभी बोला जाता है, अगर याद करने का तरीका है तो ये आता है 53 n स्क्वायर बाय जेड पीएम। पीएम क्या है, पीएम है पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो ये शॉर्ट होता है याद करने का तरीका, बट ध्यान रखना जब भी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ तो मैं तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगा, उस बात का ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है कि यार मैंने ऐसा किया कि ये फार्मूला का मैं तुम्हें यूज बताता हूँ, वो सवाल ऐसा देगा कि यार मैंने ऐसा किया कि मेरे पास एक इमेजिनरी एटम है जिसके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का दुगुना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या है दुगुना है, और जो हमने यूज किया है जो एक इलेक्ट्रॉन मास है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के मास का 10 गुना है, यानी कि यहां पर इस m का मास 10 m डालना पड़ेगा, और यहां पे जो तुमने जेड ई स्क्वायर लिखा है तो जेड ई स्क्वायर जेड ई इंटू ई जो तुम यूज करोगे वहां पे e की जगह 2e यूज करना पड़ेगा। ये कभी कभी सवाल में ऐसे रहता है, नॉर्मली तो अपना नॉर्मली चलता है, सब कुछ नॉर्मली चलता है, बट अगर ऐसा कुछ इमेजिनरी एटम दे दिए, अपन सवाल में करेंगे, अपन इन चीज़ों को सवाल में करेंगे, फिलहाल तो अपन इस पे ध्यान नहीं देते। रेडियस का ये शॉर्टकट फार्मूला आ गया। सिमिलरली जो मेरा वेलोसिटी का फार्मूला, अब वेलोसिटी में देखो तो ई कॉन्स्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट एच कॉन्स्टेंट है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आएगा वो भी तुम याद कर सकते हो। जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा ही में आ गया, वेलोसिटी ऐसा ही में आ गया 2.16 इंटू 10 टू दी पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तुमको याद करना है, क्योंकि इससे तुम क्या कर सकते हो, बहुत सिंपली चीजों को डील कर सकते हो। तुम्हें अगर जेड पता है, तुम्हें अगर एन पता है, तुम इजिली यहां निकाल सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि फाइंड रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li+2। लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट का अपने को रेडियस बताना, ऐसा कुछ पूछ दिया। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू 53 n बाई जेड पीएम पिकोमीटर। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के लिए कितना ऑर्बिट की बात कर रही है, सेकेंड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड आ गया। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है, वन होता है, 2 × 53 pm विल बी माई आंसर। अगर यही रेडियस ऑफ लिथियम की बात करा, लिथियम का जेड कितना होता है, 3 होता है ना, 53 n, किस ऑर्बिट की बात करा, फर्स्ट, सिंपल आ गया ना, पिकोमीटर में सीधा आंसर निकाल दिया। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ भी यही केस होगा। तो अगर तुम्हें
ये फॉर्मूला सिंपली याद रहेगा। तुम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, तुम रेडियस भी निकाल सकते हो, तुम सब कुछ सिंपली निकाल सकते हो। इसलिए ये दोनों शॉर्ट में इन फॉर्मूला को याद रखना, बट हाँ इसको भी याद रखना। इसको क्यों याद रखना, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इमेजिनरी एटम देगा, इमेजिनरी एटम का मास 10 गुना है, चार्ज 5 गुना है इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से अपने को या तो बेसिकली पूरा डिराइव कर लो, या बेसिक से पूरा डिराइव कर लो, या बेटर ये ऑप्शन रहेगा कि तुम इनको याद रखो। ठीक है, अब ये तो सारी बात इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसका रेडियस और इसके ऊपर हो गई। अपन अब बात करेंगे एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। बात करने के लिए सबसे पहले तो वह सेल में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है रेडियस और वेलोसिटी का, अब अपन एनर्जी की बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले ध्यान में रखना कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी तरह की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी, तीन तरह की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक टोटल एनर्जी, दोनों का सम। यानी कि अपन तीनों का इंडिविजुअल बात करेंगे कि अगर एक न्यूक्लियस के साइड में एक इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इसके पास वेलोसिटी है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके और इसके पास चार्ज है, दो चार्ज के बीच की दूरी r है, यानी कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब दोनों को मैंने जोड़ दिया तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी बोल दो या टोटल एनर्जी बोल दो। किसी इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के बराबर है। सबसे पहले अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहला जो अपना केस है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता है, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी चीज का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर है, मुझे वेलोसिटी पता है, मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एच एन का होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है हाफ एम जेड स्क्वायर ई की पावर फोर, जेड स्क्वायर ई की पावर फोर बाई फोर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया हाफ एम जेड स्क्वायर ई की पावर फोर, हाफ में से टू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुमने टू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एट एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ऑब्वियसली बात है ये फॉर्मूला अपने को याद करना नहीं है, क्या याद करना है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब काइनेटिक एनर्जी एक बार डिराइव करने के बाद, काइनेटिक एनर्जी एक बार डिराइव करने के बाद अपना आता है पोटेंशियल एनर्जी। किसके ऊपर बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे एक बात बोलूं कि एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू टू, मैंने बोला दोनों के बीच में दूरी आर है, होता पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, याद है फॉर्मूला यू इज इक्वल्स टू साइन के साथ के क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन आर। हाँ यही इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा क्या, दो चार्ज के बीच में दूरी अगर आर हुई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, वेयर चार्ज शुड बी टेकन विथ साइन, वेयर चार्ज शुड बी टेकन विथ साइन, ये होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, मैंने बोला यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास भी निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी है आर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा के चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पॉजिटिव में जेड ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई अपॉन न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी यानी कि आर, आर ऑफ दैट nth सेल। आया क्या समझ में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा होगा, जरा गौर से देखना, माइनस को बाहर निकाल लू,
के को लिख दो 1/4πε0 माइनस बाहर निकल गया, अंदर में आ गया जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस आर। यानी कि तुम यहां से बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। व्हाट इज रेडियस? रेडियस का फॉर्मूला वहां हमने लिखा है, जरा गौर से देखना कि रेडियस के फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, वहां गौर देखना। रेडियस का फॉर्मूला हमने लिखा है एप्साइलम नॉट एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। गौर से देखना, जब तुम यहां से डिराइव करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो आएगा माइनस, इस पूरे टर्म को ऊपर लेके जाओ तो जेड इंटू जेड यानी कि जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर यानी कि ई की पावर 4, एम ऊपर गया और ये पाई और ये पाई कट गया, तो पाई का तो काम खत्म ही हो गया, तो ऊपर में आ गया एम जेड की स्क्वायर ई की पावर 4 विथ माइनस साइन डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या क्या बचा? नीचे बचा 4 एप्साइलम नॉट इंटू एप्साइलम नॉट यानी कि 4 एप्साइलम नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में भी एप्साइलम नॉट का स्क्वायर ये लगाना मत भूलना, 4 एप्साइलम नॉट एच स्क्वायर और यहां पे है एन स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। क्या ये फॉर्मूला भी याद करना है? नहीं करना है, ठीक है? तो क्या करना है? पहले तो टोटल एनर्जी निकालते हैं, फिर अपन बात करते हैं। अपने को पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक होती है। देखो 1/8 सेम है, बस यहां -1/4 है। तुमने जब से जोड़ा दोनों को, जैसे तुमने जोड़ा 1/8 -1/4 -1/8 यानी कि ये जो आएगा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन -1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। अगर तुम गौर से देखो तो हम एक नया रूल निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है और माइनस टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये हमने ग्रेविटेशन में भी सैटेलाइट के अंदर पढ़ा था। टोटल एनर्जी होती है -gmm/2r, काइनेटिक एनर्जी होती है gmm/2r और पोटेंशियल एनर्जी होती है gmm/r। टोटल एनर्जी का आधा, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का निगेटिव होता है काइनेटिक एनर्जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी कि अब तुम देखो तो अगर मुझे एक पता हो तो मुझे बाकी दो पता है, अगर मुझे कोई भी एक पता हो तो मुझे बाकी का दो पता है। तो मेरा मेन कंसंट्रेशन पोटेंशियल और काइनेटिक पे नहीं होगा, मेरा मेन कंसंट्रेशन होगा उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पे। तो हमने क्या सोचा कि यार इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल होगा। ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एम की वैल्यू कांस्टेंट है, 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, जब सब की वैल्यू को डाला तो टोटल एनर्जी जो है वो हमने एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया, वो आ गया -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, वेयर एनर्जी इज नॉट इन जूल, इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात का ध्यान रखना, ये टोटल एनर्जी किस में है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे बहुत सारी बातें समझ में आई कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। माइनस साइन का यहाँ सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछा कि माइनस टू बड़ा है या माइनस फाइव बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है माइनस टू बड़ा होगा, माइनस फाइव बड़ा नहीं होगा। इस एक्सप्रेशन का इतना भयंकर यूज है, भयंकर यूज है, मैं अभी दिखाऊंगा आखिर ये एक्सप्रेशन तुम्हें बता क्या रहा है। समझना इस चीजों को। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मुझे कोई बोलता पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो मैं इसका हाफ कर देता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। बट मेरा मेन कंसंट्रेशन है टोटल एनर्जी पे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर इस टोटल एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या। मैंने जब वैल्यू डाला इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। चलो अपन हाइड्रोजन के सेल की बात करते हैं और उसके टर्म में टोटल एनर्जी की बात करेंगे। चलो अब ऐसा है, अपन लेते हैं हाइड्रोजन एटम। अपने को पता है हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, बीच में है एक प्रोटॉन, साइड में उसके कई सारे सेल हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस सेल का नाम तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, के एल एम एन, ये सब पढ़ा होगा ना। इसको हमने बोल दिया शेल नंबर वन, इसको हमने बोल दिया शेल नंबर टू, शेल नंबर थ्री, सेल नंबर फोर। मैं तुम्हें क्या बोला कि यार मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इज इक्वल्स टू वन विल बी इक्वल्स टू 13.6 माइनस 13.6 जेड, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है, वन होता है, अपॉन वन, यानी कि कितना आ गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले सेल में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, पहले सेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय। सेकेंड वाले सेल की जो एनर्जी होगी वो होगी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू वन अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी आ गई दो का स्क्वायर बोले तो चार, ये आ गया माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला एनर्जी ऑफ थर्ड सेल बताओ, तूने बोला यार माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर यानी कि 9, ये आ जाएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करके देख लेना कैलकुलेशन। मैंने बोला एन बराबर फोर्थ सेल की एनर्जी बताओ, यानी कि माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16, दिस कम्स टू बी द माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो क्यों मैं बकवास कर रहा हूँ, क्यों एनर्जी निकाल रहा हूँ, ये पर्पस है निकालने का। पर्पस क्या समझाता हूँ तुम्हें, पर्पस ये है कि एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे सेल वन से सेल टू में गए एनर्जी बढ़ा कि घटा, ऑब्वियस सी बात है सेल में ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रहा है, यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन सेल नंबर वन में है और वो सेल नंबर टू में जाना जाता है, यानी कि इन दोनों सेल के बीच का जो एनर्जी गैप है इन दोनों सेल के, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है निगेटिव में कम, यानी कि वैल्यू ज़्यादा, यहाँ निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है। यानी कि मैं बोलूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेल नंबर वन से सेल नंबर टू में जाना चाहता है तो कितनी एनर्जी का गैप है, तुम माइनस करोगे कितना E2, यानी कि माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, जब तुम ये करोगे तो याद आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दो सेल के बीच का एनर्जी गैप जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहले वाले सेल से हायर सेल यानी कि फर्स्ट हायर सेल से सेकंड हायर सेल में जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से हाइड्रोजन में n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ये एनर्जी वो एक खास फोटोन से लेगा और n बराबर 1 से 2 में चला जाएगा। अगर वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन
दूसरे वाले सेल से पहले वाले सेल में कूदेगा, अगर वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में कूदेगा तो वो एक एनर्जी, खास एनर्जी का गैप खत्म हुआ, वो एनर्जी वो लूज करेगा। वही एनर्जी किस में बदलेगी, उस फोटोन के वेवलेंथ के फॉर्म में वो एनर्जी होगी, वो लूज करेगा एनर्जी। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो एनर्जी, मान लो वो दूसरे सेल से पहले सेल में कूदा, दूसरे सेल से पहले सेल में कूदेगा तो वो एक खास एनर्जी रिलीज करेगा। दैट एनर्जी डेल्टा ई जो आएगा वो आएगा ई टू माइनस ई वन, जो गैप आया वो गैप वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में छोड़ेगा जो हो जाएगा एस सी अपॉन लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ वन अपॉन लेमडा निकालो, वन अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन लेमडा की वैल्यू आ गई E2 minus E1 divided by HC, E2 minus E1 divided by HC, ये 1 upon lambda की वैल्यू आ गई। जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 1 upon lambda will be equals to, देखना जरा गौर से, अब देखो E2 minus E1 upon ये आ गया HC, तो E2 कितना है, E2 मेरा है minus 13.6 Z squared by n प्लस वन का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई एन प्लस वन माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहां से जब तुम निकालोगे डिवाइडेड बाई, नीचे में ये एस सी करना मत भूलना, यहां से तुम्हारा क्या आ गया, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एस सी, वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। यहां तुम लेमडा भी निकाल सकते हो कि जब वो इलेक्ट्रॉन वन दो से वन में कूदेगा तो वो लेमडा का वेवलेंथ कितना होगा, ये सब कुछ अपन बात करेंगे बट अभी नहीं बात करेंगे, ये सब फॉर्मूले का अपन बात करेंगे। यहां से इसमें से आर आ जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये इसकी वैल्यू भी अपन निकाल के साइड कर देंगे, इसकी वैल्यू भी अपन कैलकुलेट करके साइड करेंगे ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो। यानी कि यहां पे अब क्या आ गया, दो सेल के बीच में फिक्स एनर्जी का गैप है, वो एनर्जी का गैप अगर हायर सेल से इलेक्ट्रॉन लोअर सेल में आएगा तो वो फिक्स एनर्जी गैप का वो एक फोटोन रिलीज करेगा, जिस फोटोन्स का एक लेमडा होगा, एक वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ को अपन कैलकुलेट करेंगे। यहीं से सीरीज डिफाइंड होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आया यहीं से डिफाइंड हुआ था, वो आया था जब भी कोई एटम, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन nth सेल से वन सेल में आएगा, जो वो लेमडा रिलीज करेगा वो लेमडा एक खास रेंज में आएगा, उस रेंज को अपन ने बोल दिया लाइमन सीरीज। जब वो टू में आएगा तो बारमर, फिर पास्टन और ऐसे करके आ गया। तो यार ये सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, दो सेल के बीच में खास एनर्जी का गैप होगा। अब सवाल कैसा पूछेगा, मान लो सवाल उसने ऐसा पूछा, सवाल सुनना कैसा पूछेगा, सवाल उसने मान लो ऐसा पूछ दिया कि लिथियम प्लस टू में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एन बराबर दो से एन बराबर वन में आ रहा है तो बताओ कितना एनर्जी वो रिलीज करेगा। लेमडा नहीं पूछा, एनर्जी बताओ, यानी कि मुझे एन बराबर टू का एनर्जी और एन बराबर वन का एनर्जी का गैप चाहिए। अब एटम मैंने देखा लिथियम है, लिथियम का जेड होता है 3, मुझे पता है कि भाई जो ई टू होगा वो होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है, दूसरे वाले सेल के लिए एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर और पहले वाले सेल के लिए क्या है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। मुझे डेल्टा ई निकालना है, यानी कि मुझे ई टू माइनस E1 निकालना है। एक बार मैंने कैलकुलेशन कर दिया और E2 माइनस E1 निकाल लेंगे। यहां से अपना बोर्ड मॉडल का एक बेसिक आइडिया तुम्हें लग गया होगा कि अगर मेरा टोटल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सब कुछ भी निकाल सकते हैं। हम ये भी निकाल सकते हैं दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी गैप कितना है, इलेक्ट्रॉन अगर कूद रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। याद रखना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमने रेडियस निकालना सीख लिया, हमने वेलोसिटी निकालना सीख लिया, हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये रिलेशन भी देख लिया, रिलेशन की क्या क्या होता है, ये रिलेशन, टोटल एनर्जी अगर हमें पता है तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं, मैं काइनेटिक निकाल सकता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी भी हमने देख ली कि क्या होगी, सब कुछ ही हमने निकाल लिया। अब आगे अपन बोर्ड मॉडल में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।